बदायूं जिले के बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 2 निवासी गोपाल पुत्र देवपाल को कुछ दबंग लोग धमका रहे हैं, वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें, बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 2 निवासी गोपाल पुत्र देवपाल ने आरोप लगाया है कि उसकी खैरी रोड पर जमीन पड़ी है और उस जमीन पर कुछ दबंग लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, वह बैनामा कराने को धमका रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कई बार उसे बदमाशों द्वारा धमकी दी गई है, तुमने यह जमीन का बैनामा हमारे नाम नहीं कराया तो अच्छा नहीं होगा, अगर तुमने जमीन का बैनामा हमारे नाम नहीं किया तो तुम्हारे लिए इसका खामियाजा भुगतना बहुत महंगा पड़ेगा। पीड़ित गोपाल ने मामले की शिकायत न्यायालय में की तो न्यायालय सुनवाई करते हुए स्थानीय थाना पुलिस को मुकदमा लिखने के आदेश कर दिए। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया, कई वर्ष पहले उसने खैरी रोड पर एक जमीन खरीदी थी, उस जमीन पर कुछ लोग दबंग कब्जा करना चाह रहे हैं, वह पीड़ित से दबाव में बैनामा कराना चाह रहे हैं। पीड़ित ने राष्ट्रपति महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मामला ये है, मैंने ये जमीन फ्लैट में मोल ली अपनी फ्लैट में, और इस जमीन को कई साल मुझे लगे हो गए, इस पर मैंने नीरी करवाई है, सब बाउंड्री कराई है। मेरी जमीन पर नाजायज तरीका से लोगों की नीयत खराब है, जो कब्जा करना चाह रहे हैं, मुझ पर कई बार हमला भी कर चुके हैं, कह रहे हैं ये जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे या मरवा देंगे। और मैं न्यायालय में भी गया, न्यायालय में मुकदमा लिखने का आदेश भी हो गया है 7/6/2019 को FIR के। मेरे घर पे भी आए थे कुछ लोग, मेरे रिश्तेदार भी लगते, रिश्तेदार के नाते से वो रात में रुके थे। मैंने एक नगरा तरू की अपनी ज़मीन बेची थी, मेरे को 8 लाख रुपए वो घर में रखे हुए थे, कुछ दस्तावेज वो सुबह के टाइम में वो निकाल के भी ले गए, और मेरी पत्नी और मेरी लड़की को मारा भी था, और उसमें कुछ दस्तावेज थे और कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो वो रुपये ले कर गंदी गंदी गाली विरोध दे के और रुपये ले कर वो चले गए मारपीट करके जान से मारने। मैं उस टाइम घर पर नहीं था, मैं बाहर था, जब मुझे मालूम पड़ी सुबह को घर पर आया था तो मैं थाने में गया था, उसके बाद मैंने न्यायालय में एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मेरे FIR के आदेश कर दिए हैं। कहाँ के ये लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? 3-4 लोग तो बरेली के हैं और 4-5 लोग बिलसी के उसमें मिले हुए हैं, और उन बरेली वालों के बिलसी क्षेत्र के बदमाशों से संपर्क हैं बहुत कर रहे, और उनमें से एक आदमी नेपाल में रहता है, उनके माओवादियों से भी वहाँ के संबंध हैं, वो मैंने सारी चीज़ इसमें खोल दी है। शिकायत दी आपने? शिकायत दी है मैंने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति लेकर मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, SSP को, DM साहब को, सब लोगों को लिखित में शिकायत दे चुका हूँ। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं।